अरे पहले तो यार वाई निकाला हुआ था हनी का, अब एन भी निकाल दिया लोगों ने। कौन लोग होंगे? पता नहीं कौन लोग। तू ही हो, तूने निकाला हो, तूने निकाला हो। ये वाला लैपटॉप तो खराब हो गया, इन्होंने बोला। अब मेरी समझ नहीं आ रहा कैसे करूं यार। पैसे वैसे ही नहीं है, जितना मैं कमाता हूँ उससे ज्यादा मैं गंवाता हूँ। खर्चा खत्म ही नहीं हो रहा यार, कमाई से ज्यादा तो खर्चा हो जा रहा है मेरा। मैं क्या करूँ बताओ यार, कुछ आइडिया दो मुझे। समझ ही नहीं आ रहा मुझे, मैं कंफ्यूज हो रखा हूँ एकदम। अब अगर मुझे एडिटिंग के लिए अगर पीसी लेना है तो 60-70, उससे ऊपर तो मैं जाऊँगा नहीं, पर 60-70 तो बहुत ज्यादा है यार। ये भाई 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 पागल है पागल। अरे भाई यार कैसे कैसे लोग है रे, घुस रहा हूँ उसके उसके पीछे ही घुस रहा हूँ पूरा। हर बार जरूरत नहीं कि तुम घुसो, तेज भगाओ, कभी कभी आराम से भी चला लो। अब जैसे ये देखो, ये खुला खुला हाईवे आ गया, तो यहाँ पे चलाओ ना थोड़ा तेज भाई, जब ट्रैफिक है। ट्रैफिक में क्यों घुसना है उनके पीछे ही? वही बात है ना, जगह इतनी सी होगी अगर तो तुम इतनी बड़ी गाड़ी लेके क्यों घुसोगे? हाँ मुझे नहीं कर रहा, उसको कर रहा अंदर से हाथ, सिर्फ लड़की को। वाह, और जब मेरी बारी में आगे मेरे पे चढ़ाने लग गया गाड़ी, बेटे ये यही वो मोमेंट होते हैं ना साले, मैन विल बी मैन। लड़की को कर रहा हाथ दे रहा कि आजा आजा आजा, और जैसी मेरी बारी आई सीधे मेरे पे चढ़ा रहा गाड़ी। कमीना, मर्द जात होती ऐसी है साला, क्या बोलूं। गाली भी नहीं दे सकता ना एक तो साला, अपने को ही लगेगी गाली। समझ नहीं आता कब सुधरेंगे, कब अपनी हरकतें सुधारेंगे। फाइनली आई एम हियर, आई एम सो हैप्पी। अपना टूटा हुआ लैपटॉप उठाऊंगा और निकलूंगा सीधे कमरे पे। वो बेचारा भी कॉल कर करके थक गया, वो बोल रहा कि उठा लो यार अपना लैपटॉप, फालतू में पड़ रखा वैसे भी यहाँ पे। बात भी सही है, जब चीज़ ख़राब है तो क्या कर सकते हैं। मैजिक, सीधा मैजिक। पेट्रोल ख़त्म होने पे कभी कभी ये भी करना पड़ता है। जा चलो जी, रात की शॉपिंग हो रही है, थोड़ा खाने पीने की हमारी। ये केले तो इसको बहुत पसंद है, चलिए ये ले रहा है अपने के लिए। दीदी ने इंडिकेटर इधर का दे रखा है, ठीक है देखते हैं किधर जाएगी। अबे भाई क्या हो दीदी आप, क्या कर रही थी। इस कैमरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। इसके दोस्त वगैरह है ना, तब ये तो ये भाई शुभम भाई है जो है वीडियो बना रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा दलाली छोड़ दे, ठीक है पक्के। तो ये है वो दलाल बेरोजगार, चप्पल चोर, छपरी नहीं है। अगर आप कभी भी शुभम डोवाल के कांटेक्ट में आते हो तो एक बार इनके शक्ल देखो ढंग से। जल्दी स्टोरी। बैठ गए? नहीं भी बैठे होंगे तो मुझे क्या, एक बिरयानी के चक्कर में इतना दूर। तो हाँ आज नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। और ओए ओए चाय चाय चाय, जरूरी नहीं कि हर बार मैं कंटेंट के पीछे जाऊँ, मेरी सारी वीडियो कंटेंट के पीछे रहती है। पर इस बार बस ऐसे निकल रहा हूँ मैं, जिसमें बस ऐसे टहलूंगा अपना हल्का हल्का, ज्यादा कुछ नहीं। कहाँ घुस रहा मेरे पे, मेरे पे घुस क्यों रहा है ये बता, मेरे पे नहीं घुसे। मेरे पे घुसने में लगे हुए एक से एक हो रहे हैं, मेरी टांग दबा रहा है यार बताओ। चलो हल्के चलो तो दिक्कत, तेज चलो तो दिक्कत। अबे भाई क्या चले, मैं सीधे चल रहा हूँ, मेरे अंदर घुसने में लगा, बोल रहा ब्रेक मार ले, ये की क्या बात हुई। अभी मैं देर तो ना रखा था एक नया CPU लेने के लिए, पर जब मैंने वो CPU देखा और मतलब ठीक था वो, ऐसा इतना कुछ बुरा नहीं था, पर मुझे पसंद नहीं आया। खास मेरे पे Z900 Z1000 ऐसे कुछ होती, मैं भी यहाँ पे ऐसे रेव करके जाता और रिएक्शन लेता इन सब लोगों का, है ना। रिएक्शन ही रिएक्शन में कितने व्यू मिल जाते हैं, सबसे ईजी चीज़ यही तो है, बस चलना है और रिएक्शन लेना है, बात खत्म, कुछ है ही नहीं करने को। अभी यार यहाँ देखो, मैं शादी में आ रखा था, अब नेक्स्ट डे तो हो गया, जबरी जी की इसमें था ही मैं। एक पागल आदमी मेरे से मिलने के लिए आ रहा है, आदमी हाँ आदमी है वो, वैसे
तो अभी आने दो, उसे दिखाता हूँ मैं। अबे भाई वहाँ है वो, उतने पीछे है वो, देखो 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 आ गए। सुबह लेकर कुछ काम नहीं है। एक चीज बता, सुबह सुबह कहाँ घूमने पे लगी हुई? अबे टूट ना जाए, कमजोर हालत में वैसे भी हो। इतने सुबह आप कैमरे का क्या साई क्यों फील करते हो इतना? चलो तो यार अभी थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे, और मैं तो अंदर, मैं अभी मुझे अंदर जाना है वैसे, तब मैं अपना देहरादून की तरफ घर वापस निकलूंगा। इसको भी इसके घर भेजते हैं, पर तब तक थोड़ा हम चिट चैट बातें बातें करते हैं। चुप रहे दो मिनट के लिए, मैं अभी बातें कर रहा हूँ ठीक है। जब मैं अपने फैन से बातें करता हूँ, अपने और गाइस से बातें करता हूँ, तो मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, समझे? इनसे नहीं करनी है, हम किसी और से करेंगे बात। बाइक साफ कर थोड़ा आगे से करना यार, अभी प्लीज यार कर लेना करना। चलो यार बैग वगैरह भी ला गया मैं यहाँ से, और अब हम निकलेंगे कुछ खाने पीने के लिए। लाइक इसे सुबह सुबह मोमो खाने की पता नहीं क्यों सूझी है। सटिया गई हो क्या? अरे पहले तो यार वाई निकाला हुआ था हनी का, अब एन भी निकाल दिया लोगों ने। कौन लोग होंगे? पता नहीं कौन लोग, तू ही होगी। तूने निकालो। अब सही हो गया ना? हो कौन? गुड मॉर्निंग। अबे यार मैं पूरा किसने निकाला, ये यही थे हो बॉय एच ओ वी बी ओ वाई। अरे यार क्या नमूने लोग हैं। ओ बैग आराम से बैग संभाल, अरे रख उसमें, चल चल ना। मुझे क्या पता मोमो वाला कहाँ पे है। क्या ये बैग तो मैं नहीं कहता ना गिफ्ट में, मेरा गिफ्ट क्या है? नहीं है, चल आगे भाई, चल यार बैटरी कम है वैसे। कैसे क्रैक लोग है यार। अब तो चलो देखो मैं आ चुका हूँ, तो कुछ इतना था नहीं, मतलब आज कुछ सही नहीं मेरा, तो तब तक मैंने ये सोचा जब तक ये विदाई वगैरह चलती है इनकी, अब जो भी चलता है इससे रिलेटेड, इसको मैं ब्लॉग में नहीं लाता हूँ ये सब पार्ट्स को, क्योंकि डेट इज़ बिजनेस एंड दिस इज़ फन एंड आई एम हेयर टू ओनली शो माई फनी पार्ट्स। तो बस जो ये शादीशुदी का दैट इज़ द बोरिंग पार्ट, और जो ये है इज़ द फन पार्ट। ये एरिया है श्यामपुर का, तो श्यामपुर में एक सीन है, यहाँ मोमो बहुत फेमस है वैसे। तो अभी हम कुछ सुबह सुबह मोमो ही खाने जाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं निकल जाऊँगा थोड़ी देर में, फिर यहीं पर चल लेते हैं। पता नहीं इसके यहाँ भी मिलता है नहीं मिलता, उसके यहाँ तो नहीं मिला। चलो तो बाय बाय कह दो इन्हें, इनकी अभी जाते ही साथ शादी होने वाली है इनकी जल्दी। तेरी शादी नहीं हो रही तेरी, और तेरी सिंचन जैसी मुँह कहाँ आ रही। ये सिंचन है। चलो तो यार अभी मैं निकलता हूँ देहरादून की तरफ, और ये भी निकलेगी अपने घर की तरफ, जो कि इसका थोड़ा ही दूर पे है, बस ज़्यादा दूर नहीं है वैसे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना ये आए मिलने के लिए, हर बार मैं ही क्यों जाऊँ यार, मैं नहीं आता, काम है तो आना ही पड़ेगा ना। चल निकल चल, अब नहीं हो रही लेट, अब नहीं हो रही, अब नहीं चाहिए तेरे पापा को है। चल ठीक है, चलो तो अब मैं बाइक में चलता हूँ। तो हाँ यार देखो तभी आ रखा था मैं यहाँ इस एरिया में। अब यार देखो मेरे जैसे लैपटॉप वगैरह सब ख़राब हो रखा, तब एक एक रुपये बचाने हैं ना मुझे, एक एक रुपये जोड़ने हैं, तभी तो मैं तुम्हारे लिए नई नई वीडियो एडिट कर सकूँगा। तो वैसे बीच में मैंने बुकिंग वगैरह लेनी छोड़ दी थी, पर फिर आजकल थोड़ी रुपए की कमी हो गई है, तो मैंने बोला कि चलो यार जब वेडिंग सीज़न है तो क्यों ना भैया बुकिंग ली जाए। अभी जब मैं यहाँ पर आया ही था इस एरिया में, मुझे पता नहीं था वैसे मेरा यहीं पे होगा, मतलब जो बारात आती वगैरह है मेरी नहीं, और इसलिए आया था क्योंकि जैसे आप लोगों को पता ही है मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है। तो यार क्या कर सकता हूँ मैं बताओ, तो बस काम के चक्कर में यहाँ पर आ रखा था, क्योंकि यार पैसा कमाना है भाई, नया लैपटॉप भी तो लेना है। वापस दे रहा दूँ, वापस देहरादून की तरफ चलेंगे। अभी सारा सामान तो मेरा वहीं है वैसे। वैसे सोच रहा था मैं आज घर की तरफ भी जा लो, पर क्या करते हैं आगे का प्लान देखते हैं।